अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वाधान में एक प्रधान सम्मेलन 6 अप्रैल को मलका पार्क काला आम निकट जिला मुख्यालय से बुलंदशहर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश स्तरीय टीम से पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव व प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र सिंह ने प्रधानों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना तथा उन समस्याओं के निस्तारण का प्रधानों को आश्वासन भी दिया। विगत दिनों में जिला बुलंदशहर के ब्लॉकों पर प्रधानों की मीटिंग आयोजित की जा रही थी, जिसके समापन के दौरान एक महासम्मेलन का आयोजन बुलंदशहर में किया गया, जिसमें अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा 1992 में गणराज्य का दर्जा दिया और साथ ही आपको 29 विभाग भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उनके फायदे 20-25 साल से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम सब में आपसी एकता नहीं है। इसी का फायदा लगभग 25 वर्षों से यहां की सरकारें उठाती आई हैं और प्रधानों को केवल गांव का चौकीदार समझ लिया है। उन्होंने बताया कि सभी प्रधानों ने एक बार इकट्ठा होकर संघर्ष किया तो उनको 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए विकास कार्य की स्वीकृति मिली व 1,000 रुपए मानदेय भी बढ़ा। हमें अब फिर से इकट्ठा होकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करना होगा। इस दौरान प्रधानों की समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने जिला अध्यक्ष जगमाल सिंह मावई, जिला कमेटी व प्रधानों के साथ LDM सिटी को ज्ञापन सौंपा व उनसे जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण की मांग की और कहा कि आगे से प्रधान साथियों के साथ अभद्रता का व्यवहार उनका शोषण हुआ तो प्रदेश के सभी प्रधान सड़क पर उतर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमें भरोसा है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे। हमने अपनी मांग रखी, मांग पे विशेष ध्यान तो नहीं दिया गया, विशेष ध्यान होता, लेकिन एक तथा कथित और हमारा संगठन चला रहा है, कंपनी चला रहा है हमारा एक संगठन, उसने जब देखा कि 1 सितंबर से हम पंचायत जागृति या 21 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बुला लिया, हमने धरना नहीं दिया, हमने प्रदर्शन नहीं किया, जो साथी गए होंगे देखे होंगे, हमने धरना प्रदर्शन किया गया। प्रधान की मीटिंग कर रखी है,